आप सभी भाइयों का मेरे चैनल पे स्वागत है। भाइयों, अगर ये हमारी मोटर जो हमारी कूलर की मोटर है ये ख़राब हो जाती है, तो अगर आप इसे इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाते हैं तो वो बोलेगा कि ये हमारी मोटर ख़राब हो चुकी है, तो आपको नया डालवाना होगा। तो वो नया डाल देता है, इसका 200 या 300 रुपये का आपका जो है नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 95% मोटर जो होती है हमारी ख़राब नहीं होती है, ये वापस से इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक आ जाती है। तो मैं आपको पूरा वीडियो आप देखना, मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ आपको चेक करना है इसको रिपेयर करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने ये कूलर में से मोटर निकाल ली है जो हमारी चल नहीं रही, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको कूलर में से निकालना है। और उसके बाद ये दोनों जो वायर दिख रहे हैं आपको 230 वोल्ट या 220 वोल्ट जो होती है हमारे घर में, उसको डायरेक्ट लगाकर इसको चेक करना है। जो इसके अंदर जो पंखा है आपको दिख रहा है, फैन, वो चल रहा है, तो हमारी मोटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। इसको वापस हमारा जो कूलर है उसके अंदर जो वायरिंग है उसके अंदर मिस्टेक आ रही, तो वहाँ पर आप रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा वायर दिख रहा है इसके अंदर कट ढूंढना है। अगर इसके अंदर कट होगा तो हमारी वायर मोटर जो में अंदर सप्लाई नहीं जा रही है, जिसके कारण हमारी मोटर नहीं चल रही, तो आपको वो क्या करना, कट होगा तो हमारा जो वायर है उसको चेंज कर दीजिए। इसके अगर बाद हमारा वायर में कट नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो इसका पीछे वाला कैप दिख रहा है आपको, इसको खोलना है, ठीक है। इसके अंदर मिस्टेक हो सकती है, तो इसको खोलने के लिए अपन को क्या करना है, जो हमारा ये पेचकस है इसका यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट इसका ढक्कन खुल जाता है, इसमें कोई नट वट नहीं होता है। तो इसके बाद आपको इसको खोलना है ढक्कन को, पीछे को वाले को। उसके बाद जो आप देख रहे हैं इसका पॉइंट है, इस जगह पर आपको इसको चेक करना है कि यहाँ से इसमें कोई कट लगा हुआ तो नहीं है। अगर कट लगा होगा तो इसको आप रिपेयर कर सकते हो वापस से, इसको टेप वेप लगा के इसको चेक कर लीजिए और ये हमारा मोटर चल जाएगी। अगर इसके यहाँ पे भी कट नहीं है तो इस ढक्कन को वापस लगा दीजिए, यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है। इसके बाद अपन को आना है इसके आगे वाले फ्रंट वाले भाग में, तो इसके अंदर कुछ मिस्टेक आ सकती है, इसमें कोई कचरा फंस सकता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर कहाँ कहाँ मिस्टेक आ सकती है। सबसे पहले हमारा जो पेचकस, उसके द्वारा हम इसको खोल लेंगे आगे से, इसमें कोई स्क्रू नहीं होता आगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारा कचरा फंसा हुआ है, क्योंकि ये पानी के अंदर डूबी हुई रहती है और पानी में हमारा कूलर का जो बहुत सारा कचरा इसके अंदर फंस सकता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी हम इसको चलाते हैं तो ये हमारा पानी को अंदर खींचती है यहाँ से और ऊपर की साइड में फेंकती है। तो इसको हम सबसे पहले इसको खोलेंगे, हम क्या करना है आपको उनको, तो ये जो आपको दिख रहा है इसको गोल घुमाना है, तो इसको घुमाकर गोल गोल घुमाकर इसको बाहर खींच लेना है, तो ये हमारा जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो हमारा इसके बाद अपन को क्या होता है, जो ये हमारा इसको चेक करना है आपको, तो ये क्या करती है, बहुत सारी बार ऊपर पानी फेंकती है, तो इसकी जाली के अंदर से कुछ बहुत सारे धागे जो होते हैं वो अंदर घूम के इसके अंदर फंस जाते हैं, तो जिसके कारण ये जो हमारा प्रोपेलर है, जो हमारा पंखा है, ये जाम हो जाता है और हमारा पानी नहीं फेंकता है, तो जिसके कारण भी ये मोटर नहीं चलती है। तो उसमें जो भी धागा वागा होगा तो उसको आप निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो इसके बाद क्या करना है आपको, जो इसको जो मैग्नेट है हमारा जो पंखा है, इसको बाहर निकालना है आपको। अब आप ध्यान से देखना इसको, जो इसके अंदर ये हमारी वाइंडिंग होती है, इसके अंदर वाटरप्रूफ होती है, तो इसको अगर आप पानी से भी दो दोगे तो कोई मिस्टेक नहीं आएगी इसके अंदर। लेकिन अब आपको क्या करना है, जिसकी ये दिख रहा है पंखा निकल चुका है हमारे हाथ में, इस पंखे में जो मैग्नेट दिख रहा है आपको, ये हमारे पीछे ब्लैक कलर वाला, तो इसके ऊपर जैसे देखिए बहुत सारा सफ़ेद कलर का कुछ जमा हुआ है। तो ये क्या होता है फ्रेंड, जो हमारे पानी के अंदर अशुद्धियाँ होती है, जो हमारे छोटे छोटे पत्थर के कण होते हैं वो इसके अंदर जम जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा बहुत सारी बार हमारे पेट के अंदर भी पत्थरी जम जाती है पानी की वजह से, तो वही चीज़ है जो इसके अंदर जमी होती है, जो ये पत्थर के टाइप में बन जाता है अंदर पानी के अंदर जो होता है। तो जिसके आप देख रहे हैं ये हमारा बहुत सारा कचरा इसके अंदर से निकल रहा है, तो इसको हमें साफ़ करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत मजबूत से चिपक जाता है इसके अंदर, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक सैंड पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, जो हमारे रेगमाल भी बोलते हैं इसे हम, तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर ये नहीं है मिल रहा आपको, तो आपको क्या करना है, जो हम बर्तन जो साफ़ करते हैं, तो उसके लिए जो बर्तन साफ़ करते हैं, जो हमारे लोहे वाली जो स्क्रबर होता है, लोहे वाली जाली होती है साफ़ करने वाली, उसका भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर आराम से। तो हम इसको अच्छे से घिस देंगे यहाँ पर और अच्छे से साफ़ करना है आपको, ठीक है। तो इस पूरे मैग्नेट को अच्छे से साफ़ करना है यहाँ पर। इसके साफ़ करने के बाद अपन को क्या करना है, ये जो पेट्रोल होता है, थोड़ा पेट्रोल डालना है इसके ऊपर, तो जिसे आप देख रहे हैं वीडियो में, इस टाइप से पेट्रोल डाल दीजिए। अगर आपके पास ये स्प्रे वाला नहीं है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, बूंद डाल दीजिए इसके ऊपर और इसको थोड़ा अच्छे से साफ़ कर दीजिए, ताकि ये हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से स्क्रब करके इसको साफ़ कर दीजिए ब्रश व्रश से, तो ये साफ़ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये तो हमारा साफ़ हो चुका है, अब हमारा जो पंप है इसके अंदर वाला जो पोर्शन है उसको भी हम साफ़ करेंगे। तो उसके लिए अंदर हम ये जो ब्रश है आपको दिख रहा है, इस ब्रश का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसको अच्छे से रफ़ कर देंगे अंदर से और इसका जो पूरा कचरा है उसको बाहर निकाल देंगे। तो इसे अच्छे से थोड़ी देर तक आप थोड़े घिसता रहिए, जिससे जो हमारा अंदर का कचरा है सारा निकल जाएगा, जिसे आप देख रहे हैं ये वाला, ये इसको जाम कर देता है बहुत सारी बार। इसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर पेट्रोल डालेंगे हम, और पेट्रोल डालने के बाद वापस से इसको ब्रश से वापस रगड़ेंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत कचरा हो जो जमा हुआ होगा वो इसमें निकल जाएगा इस पेट्रोल के द्वारा। तो इसको अच्छे से साफ़ कर दीजिए आप।
तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने इसको साफ कर दिया है, देख रहे हैं आप इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर थोड़ा और बचा हुआ रहेगा, थोड़ा हल्का हल्का, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ये नए जैसा तो वापस नहीं होगा। तो अगर थोड़ा बहुत बच भी गया हल्का फुल्का तो वो चलेगा, ज़्यादा तो नहीं चलना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको उनको इसको वापस से फिट करना है। तो फिट करने के बाद जो हमारी इसकी शाफ्ट है उसको वापस अंदर लगा देंगे, इसके जो मैग्नेट है हमारा उसको वापस से फिट कर देंगे, वैसा वैसा जो हमारा ऑलरेडी पहले था वैसा ही आपको फिट करना है। तो जो हम जैसे देख रहे हैं इस मोटर के अंदर इसको मैग्नेट को हम डाल देंगे अंदर, फिट कर देंगे अंदर से, और ये हमारा देख लीजिए अभी रोटेट हो रहा है। इसके बाद जो हमारा वाइसर है उसको लगा कर ऊपर से इसके लगा देंगे, और जो ऊपर इसका ढक्कन है उसको भी हम फिट कर देंगे। अब जैसे देख रहे हैं अब इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको कि हमारा वर्क कर रहा है अच्छे से। तो इसके लिए मैं ये 230 वोल्ट का जो हमारे डायरेक्ट सप्लाई आती है घर में उसका ही यूज़ कर रहा हूँ। ये 230 वोल्ट की मोटर होती है हमारी, तो इसमें हम डायरेक्ट इसको कनेक्ट करके ये आपको देख लीजिए ये चलना चालू हो चुकी है हमारी। तो फ्रेंड्स मैंने आपके 200 या 300 या 400 रुपए की जो मोटर आती है वो मैंने पैसे बचा दिए यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और अगर अच्छी ना लगे तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हो आप, मैं ही उन्हें बोलूँगा इसे लाइक ही करिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए पूरा। तो फ्रेंड्स आपको एक बार वो चालू करके दिखा देता हूँ इसको कि ये हमारा चालू हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा चालू हो चुका है। आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और जहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ भी पूछोगे तो मैं आपका डायरेक्ट मैसेज के द्वारा जवाब दे सकता हूँ। और इसका वापस केप लगा कर हमारा मोटर चालू हो चुकी है काम करने के लिए, इसको कूलर में वापस से फिट कर सकते हो आप।